वेलकम दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें मैं नीट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को डील करने जा रहा हूँ जिसका कि नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इस वीडियो में लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। तो इसमें पहला एग्जाम्पल है हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रोन इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट टू कर्ड, और ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है बाय पार्शियली डाइजेस्टिंग मिल्क प्रोटीन। और इसका एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स है, इट इंक्रीजेज द विटामिन B12 क्वांटिटी ऑफ द मिल्क। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर या 2018 के नीट में आया भी है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं स्क्रीन को पॉज करके। और नेक्स्ट है बेकर्स यीस्ट, इसका एग्जाम्पल आ जाता है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये भी आ चुका है बहुत बार एग्जाम में, तो इसके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्विस चीज़ की ओर, जो कि जिसका एग्जाम्पल है प्रोपाइनी बैक्टीरियम सरमनाए, ये एक बैक्टीरिया है। दोस्तों आप इसके एग्जाम्पल को जरूर ही याद रखिएगा कि इस किस कैटेगरी में आता है, ये बैक्टीरिया है ये यीस्ट है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और इसका वर्क है ये लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है स्विस चीज़ में। और एक रॉकीफोर्ट चीज़ है जिसका डाइपेंड जो हो रहा है एक फंगा के द्वारा हो रहा है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, फंगा को आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं हम माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो इसका जो मेन वर्क रहता है इथेनॉल प्रोडक्शन, और इथेनॉल प्रोडक्शन जो होता है मेनली हमारा माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट्स के द्वारा होता है। और इसमें भी एक यीस्ट ही इन्वॉल्व है जो कि फर्मेंटेशन करवाता है, और वो सेम ही एग्जांपल है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ब्रीवर्स यीस्ट भी इसको कहा जाता है, यहाँ देख सकते हैं। इसमें ब्रीवरेज में दो तरह का ब्रीवरेज है जिसको कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिलेशन पे डिस्टिंग्विश कर रहे हैं हम लोग। इसमें आ जाता है हमारा वाइन बियर जो कि सॉफ्ट अल्कोहल है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड विदाउट डिस्टिलेशन, एंड अदर है हार्ड अल्कोहल जिसमें कि अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा होता है, वो है हमारा विस्की ब्रांडी एंड रम, आर प्रोड्यूस्ड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस वी विल इंक्रीज द अल्कोहल परसेंटेज ऑफ ब्रीवरेज। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, आवर एंटीबायोटिक्स। माइक्रोब्स यूज इन एंटीबायोटिक्स इज मॉल्ड एंड ए बैक्टीरिया। मॉल्ड इज द पेनिसिलियम नोटाटम एंड बैक्टीरिया इज द स्टाफाइलोकॉकी। यहाँ पर एंटीबायोटिक देख सकते हैं, ये पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन इज द फर्स्ट एंटीबायोटिक विच इज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इज द डिस्कवरर ऑफ दिस एंटीबायोटिक। ही वर्किंग ऑन स्टाफाइलोकॉकी बैक्टीरिया एंड ऑब्जर्व अराउंड मॉल्ड दिस बैक्टीरिया कैन नॉट ग्रो, ही फाउंड दैट केमिकल्स रिलीज बाय दिस मॉल्ड्स एंड नेम्ड इट पेनिसिलिन। This penicillin is our antibiotics and mold name is penicillin and staphylococci. आप इसको नोट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फॉर दिस डिस्कवरी फ्लेमिंग चेन एंड फ्लोरे वेर अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन 1945 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू फॉर ट्रीटिंग देयर सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। दिस साइंटिस्ट आर अवॉर्डेड फॉर बाय नोबेल प्राइज। नाउ केमिकल्स एंजाइम्स एंड बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, इसमें हम देखेंगे केमिकल्स। एस्परजिलस नाइगर इज फंगस विच प्रोड्यूसेस नाइट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटिक इज ए बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस एसिटिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटीलिकम ए बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस ब्यूटेरिक एसिड, एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज अ लैक्टिक एसिड। इस पॉइंट को मैंने डायरेक्ट NCERT से कलेक्ट किया है जो कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप यहाँ से डायरेक्ट पॉज करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है एंजाइम, ये इस यूनिट से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसमें हमारा मेनली है सैकेरोमाइसिस सेरेविसिए, जो कि एक यीस्ट है जो कि इथेनॉल प्रोडक्शन करता है, ये पहले भी आप देख चुके हैं। और लाइपेजेस है जो कि डिटर्जेंट में यूज होता है फॉर क्लीनिंग एजेंट फॉर रिमूविंग ऑयल स्टेंस, एंड पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस यूज इन क्लेरिफाइंग बॉटल जूस में जो यूज होता है उसमें हम पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस का यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो हम
हाउस होल्ड में जूस बनाते हैं उसका टेस्ट बॉटल जूस से जो आउटर साइड में बिकता है बाहर उससे डिफरेंट होता है, वो इसी केमिकल्स के कारण होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं एंजाइम्स के कारण। अब है स्ट्रेप्टोकाइनेस, यहाँ पर ये एक एंजाइम है जो कि एक बैक्टीरिया के द्वारा प्रोड्यूस होता है स्ट्रेप्टोकोकस, और ये क्लॉट बस्टर कहलाता है। फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट हु अंडरगोन मायोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक, जो कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान इस एंजाइम का यूज होता है एज ए क्लॉट बस्टर, ये याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा साइक्लोस्पोरिन ए, जो कि एक फंगस के द्वारा प्रोड्यूस होता है जिसका कि नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। एग्जाम्पल मस्ट है, आपको याद ही रखना चाहिए। यूज्ड एज ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ड्यूरिंग ऑर्गन ट्रांसप्लांट दिस केमिकल इज मस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर पेशेंट्स। एंड स्टेटिन, स्टेटिन इज यीस्ट, स्टेटिन एक एंजाइम है जो कि प्रोड्यूस होता है यीस्ट के द्वारा, और इस यीस्ट का नाम है मोनास्कस पॉर्पेडियस। यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोडिंग एजेंट के यूज पे स्टेटिन का यूज होता है। अब नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट से एक या दो क्वेश्चन हर साल आ ही जाते हैं हमारे नीट एंट्रेंस एग्जाम में, पिछले साल भी आया है। तो यहाँ देख सकते हैं ये प्राइमरी ट्रीटमेंट में मेनली जो है फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लार्ज एंड स्मॉल सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। प्राइमरी ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मेनली फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, तो यहाँ से देख लीजिएगा। और फिर मेन जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसको कि बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। अब यहाँ से जो है प्राइमरी स्लज, फ्रॉम प्राइमरी ट्रीटमेंट प्राइमरी स्लज इज टेकन एंड इट विल फेड टू एडेशन टैंक एंड फ्रॉम हेयर बाय मैकेनिकल एजिटेशन एयर पम्प्ड इन ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स फ्लॉक्स रिड्यूस्ड ऑफ बीओडी सेटलिंग टैंक एंड एक्टिवेटेड स्लज एंड स्मॉल पार्ट्स फ्रॉम हेयर गो बैक टू एडेशन टैंक। दिस इज द साइक्लिक फ्लो यू हैव सीन हेयर एंड फ्रॉम हेयर द रिमेनिंग वेस्ट इज गोज टू डाइजेस्टर एंड एरोबिक स्लज डायरेक्शन फ्रॉम हेयर बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड। ये मैंने एक साइकिल के फॉर्म में बनाया है, ये बहुत ही सीधा है। बहुत बार इसका सिक्वेंस पूछ लिया जाता है कौन सा सिक्वेंस सही है, तो इसे आप यहाँ से याद रख सकते हैं। और इसमें जो मेनली होता है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ बीओडी। देन बीओडी इज अ मेजर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, कितना ऑर्गेनिक मैटर वाटर में प्रेजेंट है उसे इंडिकेट कराता है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है, ग्रेटर द बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, तो वो ज़्यादा पॉल्यूटिंग वाटर बॉडीज माना जाएगा। अब यहाँ से हम चलते हैं बायोगैस प्रोडक्शन की ओर। तो बायोगैस प्रोडक्शन में जो है यहाँ से आपको पूछा जाता है बायोगैस मेनली कंपोज विच गैसेस, तो यहाँ एनसीईआरटी का पॉइंट है वो मेनली है मीथेन CO2 एंड H2S एंड ऑल्सो मिक्सचर ऑफ दिस आई हैव टेकन एंड गोबर गैस मेनली कंटेन CH4 एंड CO2 एंड माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड इन बायोगैस प्रोडक्शन इज मीथेनोजेन। मीथेनोजेन इज एन एनएरोबिक बैक्टीरिया, मीथेनोजेन मीथेनो बैक्टीरियम इसका नाम है, जो कि बायोगैस का प्रोडक्शन करता है फ्रॉम वेस्ट डंग एंड वेस्ट स्लज से बायोगैस, जो कि हमारा ये है CH4 एंड CO2, यहाँ से आप देख सकते हैं। अब माइक्रोब्स एज बायोलॉजिकल कंट्रोल, यहाँ से आप देख सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में जैसे कि हमारा हो गया लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज आर यूजफुल टू गेट रिड फ्रॉम एफिड्स एंड मॉस्क्यूटो, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का पॉइंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है। लेडी बर्ड यूज टू गेट रिड फ्रॉम एफिड्स एंड ड्रैगन फ्लाइज फ्रॉम मॉस्क्यूटोस। बैसिलस थुरिंजियनसिस इज ए बैक्टीरिया टू गेट रिड फ्रॉम बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर, डायरेक्ट यहाँ से आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैच द फॉलोइंग, तो इसमें आपको लेडी बर्ड दे दिया जाएगा बैसिलस थुरिंजियनसिस और इसे आपको मैच कराना रहेगा किस माइक्रोब से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं।
नेक्स्ट है ट्राइकोडर्मा फंगस। ट्राइकोडर्मा एक फंगस है जो कि प्लांट पैथोजन कंट्रोल है, जो कि रूट इकोसिस्टम में मेनली जो पैथोजन पाया जाता है उससे हम गैट्रेट पा सकते हैं। नेक्स्ट है बैकुलोवायरसेस, इसका जीनस पूछ लिया जाता है। न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस पैथोजन डेट अटैक्ट इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोड्स। अब नेक्स्ट लास्ट हमारा टॉपिक बचा है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। ये इस टॉपिक को आप मार्क कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। माइक्रोब्स आर बायो फर्टिलाइजर्स आर नेक्स्ट है हमारा माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है डेट इनरिचेज द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाता है। यह केमिकल नहीं है, ये माइक्रोब्स है एक। तो इसमें बहुत सारे कैटेगरी है, इसमें इन्वॉल्व है बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनो बैक्टीरिया। तो वन बाय वन हम चलेंगे। तो फर्स्ट है लेग्यूम्स। लेग्यूम्स इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। राइजोबियम एसोसिएशन विथ लेग्यूमिनस प्लांट, यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं जो कि एनसीईआरटी में नहीं है पर मैंने यहाँ नोट किया है। एंड फ्रैंकिया नॉन लेग्यूमिनस प्लांट विथ एलनस, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। बोथ बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन एंड बैक्टीरिया लाइक एजो स्पायरलिनम एंड एजोटोबैक्टर इज द फ्री लिविंग इन सॉइल एंड फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, ये एग्जाम्पल डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। एंड नेक्स्ट है फंगाई। फंगाई फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ प्लांट लाइक माइकोरहिजा, यहाँ बैक्टीरिया ने बनाया था लेग्यूम सिम्बायोटिक एसोसिएशन से लेकिन फंगाई बनाता है माइकोरहिजा। एग्जाम्पल है इसका जीनस ग्लोमस, सो ग्लोमस फॉर्म माइकोरहिजा। दिस फंगाई एब्जॉर्ब फॉस्फोरस, सो ग्लोमस विल एब्जॉर्ब फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल फॉर प्लांट एंड इन दैट फेवर प्लांट प्रोवाइड्स देम फूड। प्लांट हैविंग सच एसोसिएशन अदर बेनिफिट्स ऑल्सो सच एज रेसिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, टॉलरेंस टू सेलिनिटी, ड्रॉट एंड ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा साइनोबैक्टीरिया, यहाँ से डायरेक्ट इस एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। साइनोबैक्टीरिया एक ऑटोट्रॉपिक माइक्रोब्स है जिसका कि एग्जाम्पल है एनाबीना, नॉस्टॉक एंड ऑसिलेटोरिया। इट इज कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन, सो ये तीनों जो एग्जाम्पल है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ही है, सिर्फ फंगा एक फॉस्फोरस भी एब्जॉर्ब करता है तो जो कि सॉइल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाता है और अच्छा प्लांट प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इसे बायो फर्टिलाइजर्स कहा गया है। इन पैडी प्लांट्स पैडी फील्ड साइनोबैक्टीरिया सर्व्स एज इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स, हेयर एनाबीना एंड एजोला इज इन एसोसिएशन एंड फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फॉर प्लांट। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कमेंट एंड आई विल प्रोवाइड ऑल रिलेटेड वीडियोज एंड ऑफ ईच चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इन नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू लाइक देन सब्सक्राइब दिस चैनल for more.